हेलो दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्ञान कोश और आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी अपडेट की जो कि अभी अभी निकल कर सामने आ रही है। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आईपीएल के बचे हुए 31 मैच 11 नवंबर और 20 नवंबर के बीच कभी भी खेले जा सकते हैं। इसी से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है और ये अब लगभग कन्फर्म हो गया है कि आईपीएल के बचे हुए 31 मैच 19 सितंबर 2021 से खेले जाएंगे। भारत का इंग्लैंड दौरा 14 सितंबर को समाप्त हो जाएगा, जिसके बाद दोनों ही टीमें यूएई के लिए रवाना हो जाएंगी, जहां पर उन्हें 3 दिन क्वारंटीन रहना होगा और उसके बाद दोनों ही टीमों के प्लेयर आईपीएल के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। वहीं अन्य देशों के खिलाड़ी कैरेबियन प्रीमियर लीग सीपीएल से सीधे आईपीएल के लिए जुड़ेंगे। आपको बता दें कि सीपीएल 28 अगस्त से 19 अप्रैल के बीच खेला जाएगा। कहा यह जा रहा है कि सीपीएल को तय समय से पहले कराने के लिए बीसीसीआई लगातार सीपीएल के अधिकारियों के संपर्क में है। बीसीसीआई के एक अधिकारी के मुताबिक टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 10 अक्टूबर को खेला जाएगा, जबकि आईपीएल के बचे हुए 31 मैच 21 दिनों के अंदर खेले जाएंगे। इन 21 दिनों में 10 डबल हेडर मुकाबले देखने को मिलेंगे। डबल हेडर का मतलब हर दिन 2 मुकाबले देखने को मिलेंगे, जबकि 7 दिन एक एक मैच खेला जाएगा और 4 प्लेऑफ्स के मुकाबले देखने को मिलेंगे। आपको बताते चलें कि कई टीमों में कोरोना वायरस के केस सामने आने के बाद आईपीएल के 14वें सीजन को 4 मई को टाल दिया गया था। 2 मई तक कुल 29 मुकाबले खेले गए थे। वहीं आईपीएल के टलने के बाद दिल्ली कैपिटल्स 8 मैचों में 6 जीत के साथ पहले स्थान पर, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स 5 मैचों में जीत के साथ दूसरे स्थान पर है। विराट कोहली की कप्तानी वाली आरसीबी को 5 मैचों में जीत मिली है, वह तीसरे स्थान पर है। अब बीसीसीआई के मुताबिक ये कन्फर्म हो चुका है कि आईपीएल के बचे हुए 31 मैच 19 सितंबर से खेले जाने वाले हैं। हम आपको देते रहेंगे आईपीएल से जुड़ी हर एक अपडेट और सभी मैचों की करेक्ट प्रिडिक्शन। इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बने बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आप एक भी अपडेट मिस ना कर पाएं। साथ में और भी अपडेट पाने के लिए हमें आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है।